आरंभ है प्रचंड और मस्त। नॉइस कलर फिट अल्ट्रा टू स्मार्ट वॉच आ चुकी है हमारे पास। और दोस्तों आपको बता दें कि अल्ट्रा सीरीज की स्मार्ट वॉच बेहद कमाल के फीचर्स के साथ में आती है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इस वॉच को अनबॉक्स। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस बॉक्स की सील को ब्रेक। ओह माय गॉड टूरू लव। तो चलिए दोस्तों काफी इजी सील है, करते हैं इसको ओपन। वाह यार पन्नी उतारने में पता लग रहा है भाई पैसे खर्चे हमने 4500 रुपए इस पे। वाह काफी जल्दी ओपन नहीं हो गया वैसे इसकी सील। तो फाइनली दोस्तों ये है हमारा प्रोडक्ट नॉइस की तरफ से आने वाला कलर फिट अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच। सामने की तरफ स्मार्ट वॉच मेंशन की गई है, ऊपर की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग दी गई है, नीचे की तरफ काफी प्यारा दुलारा था देखने में, काफी एक मल्टी कलर्स में देखने को मिलता है कलर फिट अल्ट्रा 2। और साइड की अगर हम बात करें तो फिटनेस स्मार्ट वॉच है, आप इस वॉच को फिटनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें काफी सारे फिटनेस ट्रैकर के साथ में वॉच मिल जाती है। और अगर हम इस वॉच की साइड की बात करें तो डिजाइन इन इंडिया में इसको डिजाइन किया गया है। और बैक की बात करें तो काफी सारे इसमें जैसे टच स्क्रीन इसकी कितनी है, रेजोल्यूशन क्या है, साथ में वॉचेस के फेस कितने हैं, ये सब कुछ मेंशन है। हालांकि हम इसको डिटेल्ड रिव्यू अभी आगे वीडियो में करेंगे। और नीचे की तरफ भी नॉइस की ब्रांडिंग है, यहाँ पर www.gonoise.com मेंशन किया गया है। और साइड में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है लिसन टू द नॉइस विद इन। तो चलिए दोस्तों अब इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। जी हाँ ये स्लाइड होता है, तो स्लाइड देखते हैं। वाह काफी अच्छी फील दे रहा है स्लाइड होते हुए भी यार, पैसा पूरा कर दिया है नॉइस वालों ने। अरे ये क्या क्या दे रखा है यार इन्होंने, बिल्कुल हाँ उठा गया। अरे अरे वाह ये क्या, ये तो मजाक किया है यार इन्होंने हमारे साथ। और ये दूसरे वाला बॉक्स, इसे भी हम इसी तरह ऊपर उठाएंगे। तो चलिए पहले इसी को ही देखते हैं क्या है इसमें, ओपन कैसे होगा। अच्छा ये रहा, लगता है ज्ञान की बात है इसी में पहल रखी है इन्होंने। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। वाओ नॉइस के बारे में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, काफ़ी लंबा चौड़ा चिट्ठा दे रखा है इन्होंने। क्या क्या मेंशन है वो बात करते हैं चलिए। अच्छा इसमें हार्ट रेट है, एक्टिविटी सेंसर है, स्लीप मॉनिटर है, स्टॉप वॉच वगैरह सब कुछ है। ज्ञान की बातों के चलो साइड में रखते हैं। ये वारंटी कार्ड है दोस्तों, इसे जब आप स्कैन करेंगे तो इसकी वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर हम इसे ना स्कैन करें तो इसका मतलब क्या वारंटी एक्टिवेट नहीं होगी और वो बाद में होगी एक्टिवेट। तो चलिए दोस्तों अब इस बॉक्स को ऊपर उठाते हैं और इसे रखते हैं हम साइड में। नीचे की तरफ कितने प्यारे तरीके से हमारी वॉच देखना, और नीचे की तरफ कितने मतलब एक अच्छे पैक में हमें हमारी वॉच दी गई है इतने सेफ्टी के साथ। यार ये कैसे दे सकते हैं हमें वॉच, मुझे लगा था ये वॉच कुछ इस तरह से चिपकी हुई आएगी, लेकिन ना इन्होंने तो काफ़ी क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हमारी वॉच को ये ऐसे भेजा है। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर ये है हमारी वॉच, इसे साइड पर रखते हैं, देखते हैं अभी और क्या इसके अंदर। अरे वाह मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, खैर इसको भी अभी हम टेस्ट करेंगे। लेंथ भी ठीक ठाक ही दी हुई है। और ये वायर की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो हाँ एवरेज ही वायर की क्वालिटी है, लेकिन ये चीज़ दोनों तरफ काफ़ी अच्छी दी गई है कि प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने अलग से रबड़ वगैरह लगाई हुई है जिससे आपकी वायर जल्दी से तो ख़राब नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसको भी रखते हैं साइड में। और अब बात करते हैं दोस्तों हमारी मेन हाईलाइट की जो है हमारी ये वॉच। तो चलिए दोस्तों अब इस पोलोथीन को हटाते हैं। वाह बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। दोस्तों सामने की तरफ हमें 1.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, साइडों पे स्टेनलेस स्टील दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। और जो इसके स्ट्रैप्स हैं ये अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। और इसके जो स्ट्रैप्स हैं इनकी क्वालिटी भी काफी डिसेंट दी हुई है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में अच्छा रिस्पॉन्स ये हमें दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस वॉच को बूट करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और साथ में कनेक्ट करूंगा अपने एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच के साथ। और साथ में कनेक्ट करूंगा इसे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ। सामने की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग और ये आगे यहाँ पर QR कोड जिसे मैं अपनी फ़ोन की ऐप से स्कैन करूंगा ताकि उसके साथ फिर एक वॉच कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इस स्मार्ट वॉच को मेरे स्मार्टफोन के साथ करते हैं पेयर। और क्या आप दोस्तों ये पढ़ पा रहे हैं, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब गैजेट पॉइंट, इसका मतलब है कि आप गैजेट पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। तो चलिए दोस्तों अब मैं स्मार्ट वॉच को मेरी ऐप के साथ पेयर करता हूँ। उसके लिए पहले मुझे पेयर डिवाइस पे जाना है और यहाँ से एक तो ये ऑटोमेटिक भी इसने डिटेक्ट कर लिया है, या फिर मैं यहाँ से अगर स्कैन QR भी करता हूँ
जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से भी इसने इसे पेयर कर लिया है। योर डिवाइस इज पेयरिंग, काफ़ी इजी सा स्टेप है आपको स्मार्ट वॉच के साथ पेयर करने के लिए अपने फ़ोन को। तो यहाँ पर पेयर विद दिस डिवाइस कैंसिल, ये यस, हम यस करेंगे। स्टार्ट यूजिंग, ये हमारी स्मार्ट वॉच स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फिलहाल फ़ोन को साइड पर रखते हैं और बात करते हैं स्मार्ट वॉच की। दोस्तों आपको बता दें कि स्मार्ट वॉच में 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले है एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच में। और साथ ही आपको इस वॉच में 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। और वहीं बात करें अगर हम इसके साइड डिज़ाइन की, तो साइड में आपको प्रीमियम स्टेनलेस स्टील की बॉडी दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस स्मार्ट वॉच में आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, स्मार्ट DND का फीचर भी दिया गया है और नॉइज हेल्थ सूट है, यानी कि आप इसमें स्ट्रेस को काउंट कर सकते हो, हार्ट रेट, एक्टिविटी, स्लीप और साइकिल ट्रैकर को भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं। बड़ी डिस्प्ले होने के कारण आपको इसमें सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर शो होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी वॉचेज ऐसी होती है जिसमें छोटी स्क्रीन रहती है, तो उसमें काफ़ी देखने में काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब आउटडोर में तो ज़्यादा ही होती है। बट इस स्मार्ट वॉच में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1.78 इंचेस की डिस्प्ले है भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों अब इस वॉच के इंटरफेस की बात करते हैं। तो सामने की तरफ हमें टाइम शो होता है और साथ में ये अभी एक वॉलपेपर हमने लगा रखा है इसमें, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे एक बार, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने पर हमें वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जिसमें आप डिफरेंट वॉच फेसेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये वाला लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बताता हूँ। अगर आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर नॉइस, हेल्थ, क्लॉक, वर्कआउट्स, स्पोर्ट रिकॉर्ड, वेदर, ब्रेथ, रिमाइंडर्स, म्यूजिक, वॉच फेसेस, फ्लैशलाइट और कैलकुलेटर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। हमें इस वॉच को चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि डिस्प्ले बड़ी दी गई है। और दोस्तों अगर आप इसे ऊपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नीचे से स्क्रॉल अप करेंगे, तो यहाँ पर वही वाइब्रेशन मोड, बैटरी सेवर मोड, ब्राइटनेस, DND सेटिंग जैसे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। चलाने में बिल्कुल भी हमें कोई लैक नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले है इसकी। और राइट साइड से स्वाइप करेंगे, तो एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट मोनीटर, स्ट्रेस मोनीटर, SPO2 मोनीटर और स्लीप मोनीटर जैसे हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ ही आपको म्यूज़िक का भी फीचर दिया गया है, म्यूज़िक को आप प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है। ये AMOLED डिस्प्ले होने के करके ये स्मार्ट वॉच हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। इस स्मार्ट वॉच में हमें 120mAh की बैटरी दी गई है, जो कि हमें अप टू 7 डेज तक का बैटरी बैकअप दे देती है, यानी कि 4-5 दिन का बैटरी बैकअप ये हमें वॉच आसानी से दे देगी। इस वॉच का स्टैंड बाय टाइम है 20 दिन और फुल चार्ज होने में वॉच कम से कम 2 घंटे लेती है। दोस्तों ये वॉच iOS 10 और Android 7 Plus के सभी वर्जन पर काफ़ी आसानी से वर्क करती है, और साथ ही Bluetooth 5.1 का सपोर्ट इस वॉच में दिया गया है। और दोस्तों एक बात जो बेहद कमाल की है कि एक स्मार्टफोन के साथ आप नेकबैंड प्लस स्मार्ट वॉच दोनों ही चीजों को पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्मार्ट वॉच, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरी स्मार्ट वॉच के लिए ये राय कि आपको स्मार्ट वॉच को जरूर से बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, स्मार्ट DND का भी ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही 1.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले का इस प्राइस रेंज के साथ में आना है, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। तो दोस्तों मेरे थे स्मार्ट वॉच के लिए ये कुछ ऑनेस्ट से ओपिनियंस, और आपकी क्या राय है इस स्मार्ट वॉच के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप इसे बाय भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।